नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा, इंस्पायर टू हिंदी। सो भाई साहब, बड़ा समय हो गया मुझे अच्छी सी सुंदर सी वेल रिसर्च्ड इंफॉर्मेटिव रिव्यू बनाए हुए, और मुझे ऐसा लगा कि भाई अब समय आ गया है। ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत दिक्कतें हो चुकी है, लेकिन अब समय आ चुका है कि मैं आऊँ, बैठूँ आराम से और एक बढ़िया डिटेल्ड वेल रिसर्च्ड वीडियो आपके लिए लाऊँ। तो ये वही एक वेल डिटेल्ड रिसर्च्ड वीडियो है। तो जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं पहले ही बता दूँ, भैया खाने पीने का जुगाड़ कर लो, और शायद से पहली बार है हमारे लिए स्पॉन्सर टाइम। तो एक बहुत ही भले कंपनी ने हमें आज स्पॉन्सर किया है, उनका नाम है अल्ट डेटा फॉर एंड्रॉयड। टेनर शेयर द्वारा ये एप्लीकेशन है। इसकी मदद से आप बड़े ही प्यार से, अगर आपके फ़ोन से एक्सीडेंटली कोई फोटो, वीडियो, व्हाट्सएप मैसेजेस तक अगर डिलीट हो जाते हैं, तो उनको आप रिकवर कर सकते हैं इस ऐप की मदद से। और बहुत ही ईजी टू यूज़ एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन उपलब्ध है, आप जाके अभी इसको चेकआउट कर सकते हैं और आराम से इसको डाउनलोड करके इसका पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। और भैया वापस आते हैं ट्रैक पे और बात करते हैं कि आज हम किस प्रोडक्ट को एकदम निचोड़ दें, उसके बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले सैमसंग के गैलेक्सी A72 के बारे में। ये जो स्मार्टफोन है, इसका छोटा भाई गैलेक्सी A52, उसको हमने तो एकदम रगड़ के पूरा घसीट पीट के यहाँ पे सब कुछ उसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो जिन लोगों ने हमारा सैमसंग गैलेक्सी A52 का वीडियो पहले ही देख रखा है, भाई उनके लिए एक पहले से ही भाई कितने हॉर्न बजाओगे यार। तो जिन लोगों ने हमारा सैमसंग गैलेक्सी A52 का वीडियो पहले ही देख रखा है, तो मैं उनको पहले ही बता दूं कि भाई A72 कोई बहुत ज़्यादा अलग प्रोडक्ट नहीं है या बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, वो A52 का ही बड़ा भाई है, थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट है इधर उधर। और शुरुआत करते हैं एक तड़कते भड़कते से सौंदर्य प्रदर्शन के साथ। भैया अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। स्मार्टफोन मिलता है आपको अंदर, आपको मिलता है सिम ट्रे इजेक्टर टूल, इसके लिए आपको मिलता है क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल जो है वो आपको मिल रहा है, वारंटी कार्ड अंदर मिल रहा है, चार्जिंग मॉड्यूल मिल रहा है इसके लिए, आपको इसके अंदर चार्जिंग मॉड्यूल मिल रहा है इसके लिए, जो कि एक फास्ट USB-C to USB-C वाला अडेप्टर है, जैसे कि मैकबुक वगैरह के साथ मिलता है। तो ये बात मुझे बढ़िया लगी इसकी। और इसके अलावा आपको अंदर मिल रहा है Type-C to Type-C सुंदर सा केबल। और आइए बात करते हैं बिल्डर डिज़ाइन के बारे में। तो भाई अगर आपने हमारा A52 का रिव्यू ऑलरेडी देख रखा है, तो सैमसंग ने जो नया वाला A सीरीज़ है, इसके साथ एक ही तरीके का डिज़ाइन लैंग्वेज अपनाया है। तो यही A72 में भी आपको इमीडिएटली वैसा ही डिज़ाइन दिखाई देता है जो कि आपने A52 में देखा था। तो स्ट्रेट अवे मैं इस फ़ोन की बेइज्जती करना थोड़ा सा शुरू करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्डर डिज़ाइन में पूरा कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड है, और अभी तो भैया जो दुनिया है वो बट रखी है दो टुकड़ों में। एक बोलते हैं उनको प्लास्टिक बिल्ड बहुत पसंद है, एक बोलते हैं भाई निहायत ही रद्दी बिल्ड है। मैं पर्सनली उन लोगों में से हूँ जिसको प्लास्टिक बिल्ड पसंद आया, बिकॉज मैं यूज़ करा था भाई, और मेरे को यार स्मूथ सा वो मैट फिनिश बड़ा सुंदर सा लग रहा था। भले ही कई लोगों ने इशूज़ भी उसमें निकाले हैं और बोला है कि भाई यार नहीं यार कहीं पर चीप सा फील हो रहा है, बट मुझे डेफिनेटली ये जो एक थोड़ा मैट सा प्लास्टिक वाला सा बिल्ड है ना, वो सुंदर लगा। तो उस मामले में सही बनाया भाई। अब भाई मेरा सबसे बड़ा कंसर्न प्लास्टिक के साथ क्या है, वो भाई ये है कि प्लास्टिक ना समय के साथ पीला हो जाता है। तो भाई ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि समय के साथ गैलेक्सी A72 की जो हमारी बैक है उस पर एकदम पीला पीला निशान आ जाए? अगर ऐसा हो जाता है तो भाई बहुत ही बुरा सा लगेगा। 1 ईयर अपडेट दूंगा मैं आराम से बाद में, तब देखते हैं कि 1 ईयर के बाद क्या पीछे उसमें येलो हो जाता है कि नहीं, तब तक के लिए इंतज़ार करो। और इसके अलावा A72 जो है, बढ़िया बात उसकी ये है कि IP67 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है ये, 1 मीटर तक 30 मिनट्स के लिए। ये उपलब्ध हुआ ऑसम ब्लैक, ऑसम वाइट, ऑसम ब्लू और उस रंग में जो कि मेरे पास था, जो कि ऑसम वॉयलेट कलर था। 203 ग्राम्स पे यार ये उतना ज़्यादा हल्का फ्लू का फ़ोन तो डेफिनेटली नहीं है, बट स्टिल यार मेरे हिसाब से काफ़ी तक हैंडी फ़ोन है, बिकॉज कई सारे ऐसे फ़ोन्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लाइक ROG Phone 5 याद आ गया, इतना भारी होता है वो फ़ोन कि उसके मुकाबले भाई 203 ग्राम बढ़िया है, हल्का लगता है उसके मुकाबले। और इस फ़ोन में डेफिनेटली थोड़ा सा ऐसा लगता है जानदार बिल्ड है। बैक पे जो कैमरा बम्प बिल्कुल स्लाइट सा है और कैमरा सेटअप उसी के अंदर दे रखा है। पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दोनों ही राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा एकदम सपाट है मेरे माथे की तरह, कुछ भी नहीं है उस पे। और टॉप पे नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है और हाइब्रिड सिम ट्रे स्लॉट के साथ। बॉटम पे 3.5mm जैक दे रखा है, USB-C पोर्ट दे रखा है, स्पीकर ग्रिल दे रखा है और माइक्रोफोन के लिए छेद दे रखा है। जो हैप्टिक फीडबैक था इस फोन पे, पहले ही मैं बता दूं, लाइक ये एक छोटा सा पॉइंट है बाद में घूम जाता है, तो मैं पहले ही बताया था हैप्टिक फीडबैक जो था उस फोन पे वो बड़ा अंडरवेलमिंग सा था। मतलब तो ऐसे जो होते ना, जो वाइब्रेशन मोटर हिलती है बहुत सारे एक्शन के दौरान, वो वाइब्रेशन मोटर ना मतलब
थोड़ा कमजोर सी थी, उसको थोड़ा और कॉम्प्लेन देने की जरूरत है, तो वो मुझे थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगा प्राइस के हिसाब से, कि जितना पैसा देंगे उस हिसाब से थोड़ा सा कमजोर सा लगा। उसमें थोड़ी और शक्ति, उसको वे प्रोटीन पिलाने की जरूरत है, और उसके अलावा ये थोड़ा सा बड़ा और भारी है सैमसंग गैलेक्सी A52 से, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा वो लोग जो कि A52 और A72 के बीच में चूज करने वाले हैं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन मुझे काफी हद तक सही लगा, जो बॉक्सी शेप है उसकी वजह से आपको हाथ में जो फील है वो काफी बढ़िया मिलती है, बट जो एजेस है वो ना थोड़े से स्लाइटली फ्लैट ज्यादा है, तो उसकी वजह से कई कई बार क्या होता है कि प्लास्टिक का जो कोना होता है ना साइड में, वो हाथ में से टच होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ़ोन कहाँ रखा यार, फ़ोन साइड में रख दिया मैंने, तो जैसे अब नॉर्मल जो भी आप फ़ोन यूज़ करते हो उसके साइड में थोड़ा सा हल्का से कर्व सा होता है, यहाँ पे ना प्लास्टिक में फ्लैट एजेस दे रखे हैं, तो जब आप इसको हाथ में यूज़ करते हो और चलाते हो तो ऐसा फील होता है कि भाई मतलब ये जो है ना खुरदुरा सा हल्का सा टच हो रहा है हाथ पे, तो वो फीलिंग ना ऐसा लगता है बचपन की याद आ जाती है एकदम ट्रिगर होके कि भाई वो खिलौने वाले फ़ोन वाली फीलिंग आ जाती है, तो वो फीलिंग बड़ी बेकार है और उसको कई यूज़र्स ने उसके खिलाफ कंप्लेन किया है। मेरे को भी पर्सनली वो फील हुआ कि कुछ कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे आप उस फ़ोन को पकड़ोगे तो वो साइड वो प्लास्टिक हाथ पे लेगा तो अजीब सा लगेगा, बट उसके अलावा जो मैट बैक है वो जो हाथ पर टच होती है बड़ा स्मूथ अच्छा सुंदर फील होता है, तो उसके अलावा बिल्ड और डिजाइन में उतनी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। कुछ यूजर्स ने कंप्लेन कराया कि बैक क्रीक होती है, कहीं पे क्रीक होती है, कहीं की जगह पे A52 में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी कि कहीं की जगह पे कुछ कुछ यूनिट्स में अगर आप ज्यादा जोर से दबा रहे हैं उसको तो ऐसा मूव होगा कि ऐसा लगेगा कि मतलब इंटरनल कंपोनेंट हल्के हल्के मूव हो रहे हैं, तो ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर ये वाइड स्प्रेड लेवल पे है। थैंकफुली मेरे यूनिट में ऐसा मुझे कुछ भी बड़ा ऐसा इशू नहीं दिखाई दिया, बट संभव है तो भाई बच के रहो। एंड मेरे हिसाब से सैमसंग के फोन्स में ऑनलाइन और ऑफलाइन में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता रेट का, अगर संभव हो, वैसे कोरोना काल में तो संभव नहीं है, बट अगर संभव हो तो जाके अपने नज़दीकी स्टोर पे जाके उस फ़ोन को हाथ में चला के एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि मेरा ये मानना है बहुत लोगों को ये प्लास्टिक बिल्ड नहीं पसंद आएगी, तो आप डेफिनेटली जाके चला के देखिए इतना महंगा फ़ोन लेने से पहले, और फिर अपना मन बनाइए कि आपको ये फ़ोन लेना है कि नहीं लेना है। अभी तो भाई ऑनलाइन वाले युग में तो थोड़ा मुश्किल है, बट मे बी जब शायद चीज़ें ठीक हों तब डेफिनेटली आप जाके ज़रूर देखिएगा। 8.4 मिलीमीटर की थिकनेस पे ये फ़ोन कोई बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, और पर्सनली मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक सही लगा, और अगर मैं 10 में से इसको रेट करने बैठता तो मैं 7.5 ज़रूर रेट करता इसको। Hey, nobody cares. भैया बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो भाई जो सैमसंग गैलेक्सी A72 है A52 के मुकाबले मेरे को कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही सही लगी, जैसे डिस्प्ले का साइज भी यहाँ पे बड़ा है, तो अगर आप बड़ा बिग फोन लवर हैं तो बिग फोन लवर भैया आंख मूंद के जाके A72 लेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है सुपर एमोलेड 6.7 इंच की डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। ये जो हायर रिफ्रेश रेट है ना, मेजर अपग्रेड है लास्ट ईयर के A71 फोन के मुकाबले। होल पंच स्टाइल का इसमें नॉच दे रखा है जिसको सैमसंग इन्फिनिटी और डिस्प्ले कहता है, और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दे रखी है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, और 394 पिक्सल पर इंच की इसमें डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, अब अगर मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस की बात करूं कि भैया ये तो स्पेक्स थे यार, ये तो कोई भी बता देता है, इसके लिए तो आप कैसे बहुत सारे और भी अन्य चैनल हैं वो आप वहां पे आप जाके देख सकते हैं, बट स्टिल मैंने रीकैप कर दिया थोड़ा सा। पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, कलर्स मुझे काफी हद तक वाइब्रेंट लगे, सैमसंग का बहुत पंची सा कलर होता है। एक दिन मेरा मन करा कि जब अभी मैं पर्सनली F62 चला रहा हूं, तो मेरा मन करा कि यार मैं जरा ना देखूं कि sRGB मोड पे कलर्स कैसे लगते हैं, तो तब तक मैं इतना बिगड़ चुका था, मुझे सैमसंग के सैचुरेटेड कलर्स की इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी कि जब मैंने उसको नेचुरल मोड पे करा ना, नेचुरल कलर मोड sRGB वाले मोड पे, तो मुझे ऐसा लगा ओ भाई कलर कितने वॉश्ड आउट है, वो भी मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं वापस जाके उसके एकदम विविड वाले सैचुरेटेड मोड पे चला गया। तो भाई सैमसंग की आदत बहुत ख़राब है कि वो हम लोगों को बिगाड़ देता है, हमको ज़्यादा रंग दिखाने की कोशिश करता है वो, और हमको आदत भी पड़ जाती है उसकी। और एक बार आप सैमसंग वाला एमोलेड यूज़ कर लो ज़्यादा दिन तक, तो भैया आप बिगड़ ही जाओगे और आपको फिर मतलब ओवर में मज़ा नहीं आएगा। तो F62 चलाने के बाद जब मैं जैसे पिक्सल 4 वापस देखा तो मिला वो भाई क्या ऐसे वॉश्ड आउट कलर से हैं, क्या ये धोखा सा हो रहा है, तो ये भी चीज़ ऐसे हो जाती है। अब ऐसी अगर डिस्प्ले में और चीज़ों की बात की जाए तो भाई मल्टीमीडिया कंजम्पशन वालों के लिए मस्त एकदम बड़ी सी डिस्प्ले, एकदम मस्त मौज करो आराम से देखो, वो चीज़ बहुत बढ़िया है। इसी के अलावा इसी डिस्प्ले के अंदर एज लाइटिंग के लिए सपोर्ट है, नोटिफिकेशंस के लिए डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे दे रखा है, और जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है इस डिस्प्ले की वो 800 निट्स तक जाती है, जो कि बढ़िया है। अगर आप बाहर के वातावरण में जाएंगे जैसे धूप वगैरह में जाएंगे वहाँ पे आराम से फ़ोन चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ मुझे पर्सनली सही लगी, एंड ब्राइटनेस सही है, बाहर भी सही से चल जाता है फ़ोन। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अगर बात करें
तो वो ठीक है, काम चला हुआ है, बट कुछ उसमें दिक्कतें हैं, जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का टैप टू टच टारगेट जो है, जैसे मान लो अगर ये अंगूठा इतना बड़ा है तो एग्जैक्टली इतना बड़ा टैप टू टच टारगेट उसमें नहीं दे रखा है, वो एक मुझे छोटी सी दिक्कत लगी। और इसके अलावा और मेरे को एक दिक्कत ये लगी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में कि उसका जो पोजीशनिंग है ना, अब जैसे फ़ोन थोड़ा बड़ा फ़ोन है, 6.7 इंच की डिस्प्ले भाई बड़ा फ़ोन है, तो जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की जो पोजीशनिंग है वो मुझे लगा थोड़ी ज़्यादा नीचे है, थोड़ा वो थोड़ा सा और ऊपर होती ना तो सही होता। अब मेरे तो भाई बड़े वाले हाथ हैं, बड़े वाले हाथों के बहुत बड़े बड़े फायदे भी होते हैं, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बट मुझे ऐसा पर्सनली एक बार ही ऐसा लगा, एक दो बार जब मैं फ़ोन झटके से किसी टेबल पे से ऐसे उठा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार ये चीज़ अगर थोड़ा सा ऊपर होता फिंगरप्रिंट सेंसर का पोजिशनिंग और थोड़ा सा और बड़ा होता तो शायद आम जनता के लिए और ईजी हो जाता। अभी भी लाइक ऑलमोस्ट 8 times out of 10 सही काम कर रहा था मेरे लिए, तो उतनी कोई दिक्कत भरी बात नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जो इसमें बेजल्स है ना उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर थिकनेस दे रखी है ऊपर से लेके नीचे तक, डेफिनेटली नीचे वाला बॉटम चेन जो है वो ज़्यादा बड़ा है, और जो बिग बेजल्स है उसकी वजह से जो ऊपर बड़ा सा ईयर पीस इन्होंने दे रखा है जो कि डबल अप करता है स्टीरियो स्पीकर के तौर पर, वो कैमोफ्लाज हो जाता है, छुप सा जाता है वो एकदम ही, और ये बात मुझे सही लगी। और एक छोटा सा अटेंशन टू डिटेल जो कि मेरे को बड़ा ज़बरदस्त लगा वो ये कि प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है डिस्प्ले पे। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा मैं कितनी बेइज्जती मारता हूँ उन लोगों की जो कि फ़ोन पे पहले से प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं देते। तो यहाँ पे आपको पहले से एक पतली सी प्लास्टिक फिल्म लगी हुई मिलेगी जो कि उतनी ज़्यादा तो कारगर नहीं होती है फ़ोन को बचाने में, बट स्टिल उस पर स्क्रैचेस तो नहीं आएंगे जो कि आपके हाथ से डे टू डे यूज़ में आ जाते हैं। तो जब तक आप उस पर नया कोई टेम्पर्ड ग्लास या ट्रिंक या इतना सब जो फलाना डिमकान होता है 5D 4D इतने इतने ग्लास होते हैं, जब तक वो आप नहीं लगाते हो तब तक वो थोड़ा बहुत आपको प्रोटेक्शन दे देगा डे टू डे स्क्रैचेस के अगेंस्ट। तो चलो वो बात मुझे बढ़िया लगी, छोटा सा अटेंशन टू डिटेल जो कि एक बढ़िया चीज है। इसी के अलावा एक जो अच्छी चीज है सैमसंग के 90 हर्ट्ज के इंप्लीमेंटेशन के बारे में, वो ये है कि जो वन यू आई है ना वो पूरा एडवांटेज लेता है भाई इस पैनल का, तो मुझे कहीं पे भी जिटर या स्टटर नहीं दिखाई दिया इस फोन को यूज करते वक्त। ये सपोर्ट करता है वाइड वाइन L1 को और डार्क मोड इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लेवल की कर रखी है। और कभी कभी यार फिंगरप्रिंट सेंसर ऐसा लगता है कि हाँ भाई थोड़ा उसको टाइम लग रहा है अनलॉक करने में फोन को। अब कई लोग ऐसे हैं जो कि इस फोन को Redmi Note 10 Pro से कंपेयर कर रहे थे, तो भाई जो यहाँ पे 90 हर्ट्ज दे रखा है ना वो एक्चुअली में ज्यादा हद तक ऑप्टिमाइज्ड और तरीके से स्मूथ से चल रहा है एज अपोज टू Redmi Note 10 Pro का जो 120 हर्ट्ज है जिसमें एनिमेशन भी लैगी है, फोन भी कभी कभी बगी सा चलता है, और मतलब अब जानते हो यार MIUI जो है वैसे बहुत ही सही और पॉलिश्ड सा सॉफ्टवेयर है, उसमें दुनिया भर के फीचर्स हैं, इतने इतने टॉप कस्टमाइजेशन ऑप्शन है कि बंदा दुखी हो जाए जिंदगी से, बट एट द सेम टाइम MIUI Redmi Note 10 Pro पे उतना सही से ऑप्टिमाइज नहीं है कि वो पूरी 120 हर्ट्ज वाली वो रिफ्रेश रेट को सही से पुश कर पाए, तो वहाँ का एक्सपीरियंस से ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको लगेगा, क्योंकि मतलब टेक्निकल टर्म्स में नहीं स्मूथ लगेगा क्योंकि भाई डेफिनेटली 120 हर्ट्ज ज़्यादा है 90 हर्ट्ज से, बट वहाँ पे 120 हर्ट्ज में स्टटर्स देखने को मिल रहे थे पर्सनली, बट 90 हर्ट्ज पे इस पे कहीं पे भी इतना ज़्यादा UI में स्टटर्स नहीं थे। तो जो लोग स्मूदनेस कंपेयर करने जाते हैं ना कि मतलब जनरल डे टू डे यूसेज में कितनी बार अटका फ़ोन, उस मामले में डेफिनेटली A72 जीत जाता है, और इससे आपकी थोड़ी सी यार बाइंग डिसीजन मैं थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ। तो ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन LED नहीं दे रखी है यहाँ पे, और ऑफिशियली HDR का सपोर्ट यहाँ पे नहीं दे रखा है। और इसके अलावा एक चीज़ जो मुझे बुरी लगी कि सॉफ्टवेयर में कोई ऑटोमेटिक मोड नहीं है या कोई ऐसा मोड नहीं है कि जब आप वीडियोस देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो 60 हर्ट्ज पे उसको ड्रॉप कर दे, रिफ्रेश रेट कम कर दे ताकि बैटरी आपकी बचे, ऐसा कोई एक ऑटोमेटिक रिफ्रेश रेट वाला मोड सजेशन होना चाहिए था। अब भाई इसमें हाई रखो या 60 रखो, ये दो ऑप्शन है, तो ऑटोमेटिक भी एक बीच का सोल्यूशन होना चाहिए था। और मेरे हिसाब से जो इसकी स्मूदनेस है वो शायद इसी बात से एक्सप्लेन हो जाती है कि या तो 90 पे चला लो या 60 पे चला लो, अगर ऑटोमेटिक टाइप का कुछ रखते तो उसमें सॉफ्टवेयर से उसको कोड करना पड़ता कि कब उसको 60 रखना है कब 90 पे ले जाना है, और शायद से तब इसमें भी दिक्कतें हमें दिखाई देती और इसमें भी स्मूदनेस की कमी दिखाई देती। तो हो सकता है सैमसंग ने लॉन्ग टर्म कुछ सोच के ऐसा सॉफ्टवेयर कोड किया। हवाई बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस के बारे में। ये स्मार्टफोन आता है 8 नैनोमीटर के स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट के साथ, 6 या फिर 8 GB रैम के साथ, 128 या फिर 256 GB स्टोरेज के साथ। स्टोरेज को आप एक्सपैंड जरूर कर सकते हैं 1 TB तक माइक्रो SDXC स्लॉट की मदद से। और जो 720G है यार वो एक ठीक ठाक चिपसेट है यार, अब उससे क्या मतलब घर में रोटी तो बिलवा नहीं सकते, उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस भी नहीं है उसमें। और डेफिनेटली जो ये प्राइस ब्रैकेट है ना इसमें जो कॉम्पिटिशन है उसके मुकाबले 720G
डेफिनेटली पीछे है। और मैंने जो शुरुआत में बोला था ना कि A72 एक कमजोर फोन है, उसके पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर यही है कि इनका जो चिपसेट ऑफ चॉइस है वो उतना जबरदस्त नहीं है। तो मतलब आप इस प्राइस में जाके और बढ़िया परफॉर्मेंस वाले फ़ोन जाके ले सकते हो यार, प्यार से मिल जाएगा। तो अगर परफॉर्मेंस ही सब कुछ है आपके लिए, बिल्कुल रॉ परफॉर्मेंस, दिन भर बैठ के आप इन शॉर्ट पे वीडियोस एडिट कर रहे हो, दिन भर बैठ के आपको इंस्टाग्राम रील्स बनानी है, ठीक है, और आपको चाहिए कि कहीं पे भी हल्का सा भी लैग ना आए हैवी वीडियो शूट करते वक्त भी, तो भैया अगर आप वो परफॉर्मेंस देख रहे हो तो शायद से वो परफॉर्मेंस वाला फ़ोन ये नहीं है। डे टू डे नॉर्मल यूजर्स के लिए परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी हद तक सही है। मैंने ये यूज़ केस इसलिए दिया क्योंकि मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, मैं पूरे टाइम इन शॉर्ट पे वीडियोस एडिट कर रहा होता हूँ स्मार्टफोन पे। तो कितना फास्ट एक स्मार्टफोन है उससे मेरा एक्सपीरियंस ऊपर नीचे ज़रूर हो जाता है, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के अलावा अगर डिवाइसेस जो पोको या फिर रियलमी द्वारा लाए गए हैं इस प्राइस सेगमेंट में, वो भाई A72 से हर हाल में अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको बहुत ज़्यादा गेम्स खेलनी है, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऐसा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जो कि कुछ आने वाले 3-4 साल तक फास्ट रहे, तो यार ये स्मार्टफोन को तो थोड़ा सा भूल जाओ, ये उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। अभी डे टू डे आम दिनचर्या के कामों के लिए, हैवी मल्टीटास्किंग वगैरह जो नॉर्मल एक मतलब बेसिक बंदा ऐप्स के बीच में स्विच कर लेता है, उसको ये स्मार्टफोन आराम से चला लेगा। और शायद से कुछ महीने अगर आप इसके साथ गुजारें तो आपका इसके साथ संबंध जो है वो सुंदर और मीठे से काफ़ी ज़्यादा कड़वा हो सकता है। ऐसा मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप्स में भी देखा जाता है, और ये यहाँ पे भी संभव है कि आप अभी मतलब A72 उठाएं और 8-10 महीने आप इसको चलाएं, और उसके बाद आप ये नोटिस करें कि भाई साहब ये तो स्लो हो गया, ये तो मेरी बातों का रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, ऐसा भी संभव है। तो इसलिए फिर मतलब अगर आप हैवी परफॉर्मेंस लवर हैं तो इस फ़ोन को तो भाई ऐसे साइड से ऐसे इसको इग्नोर मार दो भाई, ठीक है, क्योंकि और अगला देखो भाई, अगला मॉडल देखो अगर आप हैवी परफॉर्मेंस लवर हो तो। Why you bully me? और इसी के अलावा असली तगड़ी बात तो ये है कि A52 सिमिलर परफॉर्मेंस देता है भाई, मतलब A52 में भी सेम यही चिपसेट है, सिमिलर परफॉर्मेंस मिल रही है, पागल थोड़ी बैठे हैं। मतलब कुछ कुछ फीचर्स डेफिनेटली A72 में ज़्यादा है, बट अगर चिपसेट चॉइस ही सेम हो गई तो एक मतलब जो होता है ना कि मेजर कोई डिफरेंस पॉइंट हो जाए, बिल्कुल ही बड़े वाला डिफरेंस पॉइंट, वो नहीं देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस के मामले में, तो डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका मन ज़्यादातर यही करेगा कि A52 को मैं कहूँगा कि यार वो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, वो आप ले लो, मतलब ठीक है उस प्राइस के हिसाब से। A72 में चिपसेट बेटर हो सकता था। तो हार्डकोर परफॉर्मेंस वाले तो भाई अभी आप ये वीडियो बंद कर लो, चले जाओ भाई, आपका तो भाई गेम बच गया भाई, आपको तो मैंने बता दिया भाई। I should not have said that. तो जो हार्डकोर परफॉर्मेंस लवर्स हैं उनको ऑलरेडी ये बात पता चल चुकी है, बट अगर आप स्टिल जानना चाहते हो इस फोन में और क्या क्या है, तो भाई टिके रहो, अब तक तो भैया फर्स्ट राउंड ऑफ स्नैक्स खत्म हो गया होगा, जाके टॉप अप कर लो भाई, कहीं साइड में होगा घर में चाय वाय बना लो यार, थोड़ा चढ़ा के जाओ, वीडियो पॉज कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यहीं पर ही हूँ, वीडियो पॉज कर दो, आराम से जाओ, चिल करो, स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो मेरे साथ, लेट्स रिज्यूम। तो अब आगे अगर हम बढ़े तो A52 को देखने के बाद A72 को रिकमेंड करना काफ़ी हार्ड हो जाता है, और अगर आप सेटिंग्स के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करोगे तो आपको गेम्स खेलते वक्त भी फ्रेम ड्रॉप्स दिखाई देंगे A72 पे, क्योंकि भाई उतना परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। इंटरनल स्टोरेज इसका फास्ट है बट फ्लैगशिप के लेवल का फास्ट नहीं है, 500 MB/s तक आपको रीड स्पीड मिल जाएगी इस पर, 270 MB/s तक की राइट स्पीड्स मिल जाएंगी। गेमिंग की और बात करें डिटेल में तो ज़्यादातर गेम्स ठीक ठाक चल जाएंगी, बट जैसे ही आप थोड़ी हैवी गेम खेलो जैसे एस्फॉल्ट वगैरह, या फिर बहुत ज़्यादा देर तक आप खेलना उसको शुरू करो कि धीरे धीरे फ़ोन थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगे, और फ़ोन में बहुत देर से वो आप गेम चला रहे हो, तो आपको धीरे धीरे फ्रेम स्किप होते हुए दिखाई देंगे, और जब ऐसा होता है ना तो बंदा बहुत दुखी होता है, तो उसको लगता है यार कैसा चला है यार, गेम नहीं चल रही बढ़िया तरीके से। तो ये दिक्कतें संभव हैं, तो हैवी गेमर्स लोग भी थोड़ा सा दूर रहें इस फ़ोन से, उतनी हैवी गेमिंग आपको करनी है भाई आपके लिए, मतलब अभी देखो भाई बैटल ग्राउंड वापस आ रहा है, तो जब बैटल ग्राउंड वापस आ रहा है दिन भर रात बैठ के बैटल ग्राउंड ही खेलना है, तो ना भाई ये मत लो, आईफोन ले लो भाई, EMI पे आईफोन ले लो, बैटल ग्राउंड उस पर बढ़िया चलेगा, इस पर तो उतना बढ़िया नहीं चलने वाला, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और इसी के अलावा अगर हम OS की बात करें तो याद है एंड्रॉइड 11 बेस्ड One UI 3.1 के साथ सैमसंग ने भैया एक भी मतलब कसर नहीं छोड़ी है कि ये फ़ोन मतलब एंड टू एंड एड से भरा हो। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हैं और आप सीधे यस 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 एग्री टू एवरीथिंग करते जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी नरक बनने वाली है, क्योंकि आपको हर जगह नोटिफिकेशन में ऐड आएंगे, आपको साइड में कहीं कहीं पे ऐड दिखाई देंगे, मतलब वो आपको इतने ऐड देगा, ब्राउज़र में ऐड दिखाई देगा,
फिर ऐसा लगेगा ना कि आपने अपने आप को सैमसंग को बेच दिया है, वो वाली फीलिंग आ जाएगी। तो अगर आपको उस फीलिंग से बचना है तो जब फर्स्ट टाइम सेटअप करते हो इस फोन का, तो हर एक चीज़ को आंख मूंद के अग्री नहीं करना। ध्यान से देखो, जो चीज़ से वो ऐड देंगे ना उसमें ब्रैकेट में ऑप्शनल लिखा होता है, तो इसलिए बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के ही अलावा एक चीज़ मुझे फिर भी चलो ठीक लगी कि सैमसंग ने ना 3 साल तक का OS अपडेट प्रॉमिस किया और 4 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस किए हैं, और उससे ना ओवरऑल जो एक वो होता है ना परचेजेबिलिटी कि यार ये फ़ोन खरीदने लायक है कि नहीं, वो चीज़ डेफिनेटली इंप्रूव हो जाती है यहाँ पे। और जो ब्लोटवेयर ऐप्स पहले से बहुत सारे डले हुए हैं भाई अलग अलग टाइप के, उनको रिमूव किया जा सकता है फॉर श्योर, बट थोड़ा टाइम लगता है, आराम से 15-20 मिनट लगेंगे शुरुआत में। अगर आप एकदम एडवांस्ड यूज़र हो मेरी तरह तो भी आपको 15-20 मिनट लगेंगे देखने में, हाँ भाई ये प्रीमंडल डाल रखा है, हाँ भाई ये भी प्रीबंडल डाल के हटाओ इसको हटाओ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वो करने के बाद वन यूआई का एक्सपीरियंस बहुत सुंदर है, लेकिन वो अगर नहीं किया हो तो एड्स भी आएंगे, नोटिफिकेशन में भी कुछ ना कुछ ऊपर से नीचे आता रहेगा, और जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं उनको देख के और अलग जो खून जलेगा वो तो अलग ही बात है। तो भाई ये चीज जो है उसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब मैं चला रहा था इस फोन को तो मैंने कुछ कुछ चीजें नोटिस करी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आई, वो ये कि जो इनबिल्ट ब्राउजर है ना, क्रोम ब्राउजर नहीं, जो इनबिल्ट सैमसंग का डिफॉल्ट ब्राउजर है, उसमें जब आप ज्यादा टैब खोल दो तो फोन हल्का हल्का लैग करने लगता है। ये चीज पहले मैंने नोटिस करी। और इसके अलावा जो दूसरी चीज मैंने नोटिस करी वो ये कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आया उसके साथ इसका सिक्योरिटी पैच जो है वो अप्रैल तक आ चुका है। तो चलो वेल एंड गुड, सैमसंग ने जो वादा किया ना कि सिक्योरिटी पैच देते रहेंगे, एंड्रॉइड अपडेट देते रहेंगे, उसको डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि उनका इरादा है कि उस वादे को निभाएंगे। तो चलो एंड्रॉइड अपडेट के मामले में तो भाई बढ़िया, बाकी सॉफ्टवेयर में जो दिक्कतें थी वो मैं बता ही चुका हूँ आपको, और वो हल्की फुल्की दिक्कतें नहीं है। अगर आम बंदा ऐसे बस जाके खरीद लेता है इस फ़ोन के, ऑनलाइन ले लेता है और उतना ज़्यादा दिमाग लगा के सेटअप नहीं करता, तो उसको बाद में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अंदर सैमसंग वालों ने एक सैमसंग गेम लॉन्चर भी दे रखा है, जिसकी मदद से आप गेम खेलते वक्त थोड़ा बहुत फाइन ट्यून कर सकते हो कि भाई मुझे कॉल नहीं चाहिए, नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। ठीक ठाक फीचर है, ऑलमोस्ट अब तो हर कोई ऐसा एक फीचर प्रोवाइड कर रहा होता है, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगा कि जब ये गेम लॉन्चर ऑन था तो थोड़ा सा कम, मुझे थोड़ा सा विजिबली कम लैग देखने को मिला गेम खेलते वक्त। तो ठीक है, वैसे भी कोई बहुत ज्यादा गेमिंग फोन नहीं है, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई गेम लॉन्चर यूज करो सही से गेम खेलते वक्त, अगर गेम खेलना ही है इस फोन पे। अब आइए बात करते हैं इस फोन के मेन सेलिंग पॉइंट के बारे में, यानी इसके कैमरा के बारे में। अब A52 के मुकाबले ना यहाँ पे कैमरा में मेजर अपग्रेड किया गया इस फोन में, और कैमरा जो है वो शायद से, मतलब कई लोग जो ऐसे होते हैं ना जिनको सैमसंग के कलर्स पसंद है, कि वो जो सैमसंग एकदम ब्राइट पंची वाइब्रेंट कलर होते हैं वो जिनको पसंद है, और जो जिनको सैमसंग की जो फाइनल एक लुक आती है फोटोज़ में वो जिसको पसंद है, वो शायद से जाके A72 लेंगे आँख मूंद के, और उसके पीछे कुछ कारण है, वो कारण मैं आइए उजागर करता हूँ। इसके अंदर एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है F1.8 अपर्चर के साथ, उसमें सपोर्ट दे रखा है फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस का, और OIS भी दे रखा है मेन सेंसर में। 8 मेगापिक्सल का एक F2.4 अपर्चर वाला टेलीफोटो सेंसर है, उसके अंदर भी OIS दे रखा है इन्होंने गजब एकदम। तो टेलीफोटो सेंसर काफी तक स्टेबलाइज्ड है और वो 3x तक ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें भाई और भी सेंसर हैं, इसके अंदर इन्होंने एक अल्ट्रा वाइड सेंसर दे रखा है 12 मेगापिक्सल का F2.2 अपर्चर वाला, जिसके अंदर 123 डिग्री का वाइड एकदम फील्ड ऑफ व्यू है। और इसके अलावा एक और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दे रखा है F/2.4 अपर्चर वाला, मतलब इन्होंने कैमरा सेंसर्स के मामले कोई कमी नहीं करी है, और एकदम 4 अलग-अलग टाइप के सेंसर दिए हैं। ये भी नहीं कि एक फालतू सा अलग सा डेप्थ सेंसर दे दिया, ना भाई, चारों अलग सेंसर है, चारों से अलग टाइप की फोटो निकलेगी। अब भाई तुम्हें फोटो ही लेनी है बहुत ज़्यादा दबा के तो तुम्हारे लिए फ़ोन है डेफिनेटली। आइए थोड़ा इसको और उजागर करते हैं कि इंडिविजुअल जो सेंसर्स हैं उनमें से कैसा फोटोग्राफ आ रहा है, कैसी क्वालिटी आपको मिल रही है। तो अब मुझे क्या लगा कि जो 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर था वो सही है, जो वो करता है उस चीज़ के लिए बहुत हद तक सही है, बट किसी को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर वो यहाँ पे नहीं होता तो भी। जो फ्रंट कैमरा वो 32 मेगापिक्सल का F2.2 अपर्चर वाला है, दिक्कतें मुझे क्या क्या लगी, दिक्कतें मुझे ये लगी कि कभी कभी जो इनका सीन ऑप्टिमाइज़र है ना, कि ऑटोमेटिकली वो सीन्स को डिटेक्ट करके ऑप्टिमाइज करता है कलर्स को, तो कभी कभी वो ना हिट एंड मिस वाली सिचुएशन है उसकी, कभी कभी ना वो बेचारा भटक सा जाता है अपने रास्ते से, वो कहता है वो भाई समझ में नहीं आ रहा, भाई भाई पेड़ पौधे दिखा रहा है, आसमान दिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो कभी कभी वो जब मिस कर देता है ना शॉट्स को तो वो एकदम फोटो की मम्मी डैडी एक कर देता है, बट अन्यथा मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो सीन्स को ऑप्टिमाइज करता है,
तो वो उस पे थोड़ा सा आई थिंक सैमसंग को सॉफ्टवेयर लेवल पे थोड़ा सा खेलने की जरूरत है। जो लेटेस्ट अभी अपडेट आया इस फोन पे उसके बाद नाइट मोड जो है वो फ्रंट कैमरा पे भी काम कर रहा है और अल्ट्रा वाइड कैमरा पे भी काम कर रहा है। अब भाई 4K 30 FPS वीडियोस जो है वो पॉसिबल है ऑलमोस्ट इसके एवरी सेंसर से, तो वो भाई सही है। भाई सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद बड़े सारे इन्होंने फीचर्स लाए हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि इसका जो कैमरा है ना वो ऑनगोइंग वर्क इन इंप्रूवमेंट है कि उस पर कुछ ना कुछ अपडेट होता ही रहता है, तो वो एक चीज़ इनकी बढ़िया है। और इसी के अलावा जो मेन कैमरा सेंसर और अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर है उनके बीच में थोड़ा सा कलर्स में फर्क है। जो अल्ट्रा वाइड है वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक के साथ जाता है, जो सेल्फी कैमरा है वो भाई एक ही है बट उसके UI में आपको ऑप्शन मिलता है वाइड लेने का सेल्फी को या क्लोजअप लेने का, तो वो एक्चुअली में फर्क है पिक्सल बिनिंग के बीच में। एक फोटो इसमें आती है 12 मेगापिक्सल वाली और एक फोटो आती 4:1 पिक्सल बिनिंग वाली 8 मेगापिक्सल की, तो वो यार क्वालिटी में उतना ज़्यादा फर्क नहीं है फ्रंट कैमरा से। वो जो वाइड वाली आप सेल्फी ले रहे हो और जो नॉर्मल एक क्रॉप्ड इन वाली सेल्फी ले रहे हो क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगती है, बट ये है कि लो लाइट में जो वो ज़्यादा वाइड वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर काम करता है। मोड्स तो भाई साहब इतने सारे दे रखे इसमें, हाइपर लैप, सुपर स्लो मोशन, पैनोरामा और एक फन मोड भी दे रखा है जिसमें आप स्नैपचैट फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो। भाई उसके लिए लेकिन इंटरनेट चाहिए। 4K 30 FPS वीडियोस पॉसिबल है बट जो सुपर स्टेडी स्टेबलाइजेशन है वो सिर्फ 1080p वीडियोस तक काम करता है। 30x तक आप सॉफ्टवेयर बेस्ड जूम कर सकते हो। भाई इसमें प्रो फोटो मोड है और प्रो वीडियो मोड भी है। और एक छोटी सी कमी मुझे ये लगी कि जो इसका जो ऑटोमेटिक HDR का एल्गोरिथम है वो हर बार ट्रिगर नहीं हो रहा था, यानी कि मतलब वो हर बार ऑटोमेटिकली HDR डिटेक्ट नहीं करता था। जैसे मान लो आपके सामने बैकग्राउंड में पीछे स्काई है, ठीक है, और आप हो, तो भैया डेफिनेटली स्काई के अंदर जो लाइट आउटपुट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अच्छे से कब काम करेगा? वो अच्छे से तभी काम करेगा ना भाई जब ये फ़ोन डिटेक्ट कर लेगा कि भाई हाँ बैकग्राउंड में स्काई है, तो कम से कम ऑटोमेटिकली HDR तो इनेबल कर दो। तो कई कई बार वो ट्रिगर नहीं होती थी वो चीज़, तो उससे इमेज उस मोमेंट में वो इमेज ख़राब आती थी। तो सॉफ्टवेयर लेवल पे है मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत फिक्सिंग की और ज़रूरत। और ही अगर हम बात करें इमेज क्वालिटी के बारे में, कलर्स जो थे वो मुझे काफ़ी हद तक सही लगे, एक्सट्रीमली ओवर सैचुरेटेड नहीं लगे, सही लगे, ऑन पॉइंट लगे। जो 64 मेगापिक्सल मोड है इसमें अलग से दे रखा है और मैनुअली आप उसमें क्लिक कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट 16 मेगापिक्सल की फ़ोटो दे रहा होता है आपको, जो कि ज़्यादातर यूज़र्स के लिए काफ़ी हद तक सही है। क्योंकि जो 64 मेगापिक्सल मोड है ना उसमें उसकी अलग से खुद से दिक्कतें हैं, जैसे कि अगर जैसे आप कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स की फ़ोटोज़ ले रहे हो या बिल्डिंग्स की फ़ोटोज़ ले रहे हो या ऐसी चीज़ों की फ़ोटो ले रहे हो जिसमें टेक्सचर बहुत ज़्यादा है सरफेस में, तो उसमें अगर आप 64 MP मोड में फ़ोटो ले रहे होगे ना तो बड़े कचरा सा बना देता है उसको, देखने में काफ़ी अजीब सा बना देता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स के साथ मैं कहूँगा कि 64 मेगापिक्सल वाले जो प्रो मोड को आप अवॉइड करें और 16 मेगापिक्सल वाले नॉर्मल हमारी तरफ पीजेंट लोगों की तरह, हम गरीब लोगों की तरह फ़ोटो लें तो वही बढ़िया आएगी आपकी। जो टेलीफोटो कैमरा है भाई 8 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन पे सही तो है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि जो चीज़ें वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं आ रही हैं। F2.4 अपर्चर के साथ वो दिन की रोशनी में तो बढ़िया काम करता है, बट जैसे ही ज़्यादा लो लाइटिंग में आप जाओगे तो सेंसर जो है अपनी कमियाँ दिखाना शुरू कर देता है। और टेलीफोटो सेंसर और मेन कैमरा के बीच में भी डेफिनेटली कलर्स का फर्क तो है ही है। 3x तक इमेज की क्वालिटी काफ़ी हद तक सही है। इवन जो आप 10x तक सॉफ्टवेयर बेस्ड जूम करोगे ना वो देखने में काफ़ी हद तक ठीक ठाक यूजेबल सा लगता है, बट कुछ भी 10x के पार कुछ भी आप जाओगे भाई वो मतलब उसको रगड़ देगा, वो दिखने में मज़ेदार नहीं लगेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑप्टिकली सिर्फ 3x तक जाता है, तो 10x तक वो सॉफ्टवेयर की मदद से ठीक ठाक जाता है, उससे ऊपर मैं नहीं कहूँगा, उससे ऊपर जूम मत ही करो, भूल जाओ। जो अल्ट्रा वाइड है उसकी कलर्स टेलीफोटो वाले सेंसर के कलर्स से सेम थे, और मेरे हिसाब से सच्चाई यही है कि जो मेन कैमरा है उसी के कलर शायद से उल्टे पुल्टे हैं। You know, I'm something of a scientist myself. तो मेन कैमरा उनसे थोड़ा सा ज़्यादा ब्लूइश है दोनों अल्ट्रा वाइड के और टेलीफोटो के मुकाबले। अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो का कलर ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है, मेन कैमरा का कलर अलग ही दिशा में बढ़ रहा है। तो भाई Shit just went from 0 to 100 real fucking quick. Daylight के अंदर जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो बढ़िया फोटोज लेता है अच्छी डायनेमिक रेंज के साथ, बट रात के टाइम में मत ही लेना भाई उससे फोटो। मेन कैमरा जो है उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस काफी हद तक सही है। अब जो पोर्ट्रेट मोड है, पोर्ट्रेट मोड में मुझे कभी कभी दिक्कत ये लगी कि वो जो सब्जेक्ट पे अच्छे से कभी कभी फोकस नहीं ले पाता था, बट उसके अलावा अगर आपका फोकस एकदम सही से आ गया तो उसका जो फोटो आप ले रहे हो उसमें जो बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच जो सेपरेशन होती है, बैकग्राउंड ब्लर होता है, वो काफी हद तक बढ़िया जनरेट करा इन लोगों ने, वो उस पर बढ़िया काम करा है। बट यही है कि कभी कभी वो सब्जेक्ट का जो फेस पे सही से फोकस नहीं ले पा रहा था, तो पोर्ट्रेट मोड में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में मेहनत कर लो यार सैमसंग वालों, और वो मतलब कैमरा के एक्सपीरियंस को और एलिवेट कर सकता है। उसी के अलावा अन्य चीज़ों की बात करें, जो 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा काफ़ी तक बढ़िया फोटोज लेता है, बट मेरा अभी भी वही वाला सवाल है कि भाई यार मेरे को एक कोई बंदा दिखा दो जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऐसा फ़ोन लेने के बाद
मैक्रो वाली फोटोज ले रहा हूँ बैठ के, मतलब माना भाई लॉकडाउन वॉकडाउन हो गया है, माना कि हालात बहुत खराब चल रहे हैं, माना कि बंदा घर में अकेला बैठा होता है कई बारी, पर इतना वेला टाइम किसी के पास होगा कि वो मैक्रो से फोटो ले रहा हूँ? ना ना, he's got a point. हाँ भाई मक्खिया ही साइड में मैक्रो लो, हाँ भाई ये बढ़िया लग रही घड़ी मैक्रो लो, इतना नहीं करते यार लोग। एक दो बार मैक्रो फोटो लेने ठीक लगता है बट उतना ज्यादा यूजेबल नहीं होता है। बट पता है अच्छी बात क्या है, इस फोन पे आप कंप्लेन नहीं कर सकते, क्यों? पहले से इसमें 3 सेंसर और दे रखे, मेन कैमरा अलग है, टेलीफोटो अलग है, अल्ट्रावाइड अलग है, तो भाई साथ में मैक्रो भी दे दिया, तो आप तो ये बोलोगे ना भाई सोने पे सुहागा, आपको दुख थोड़ी होगा इसमें। तो ये बात मुझे बढ़िया लगी, सैमसंग कमी नहीं करी यहाँ पे भाई, कैमरा सेंसर के मामले कमी नहीं करी, उन्होंने कहा भाई लेते भाई सारे सेंसर घुसा दे इसमें, अगर अलग से एक डेप्थ सेंसर भी दे देते ना इसमें तो और हंसी वाली बात हो जाती। बट सही है जो इन्होंने सेटअप बनाया, काफ़ी हद तक हार्डवेयर लेवल पे तो बहुत सही है। अब जो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा वो आपको अच्छी अच्छी फोटोज देता है, जो वाइड मोड है उसका उसमें आपको 12 मेगापिक्सल की फोटो दे रहा होगा, और जो नॉर्मल वाला मोड है उसमें 8 मेगापिक्सल की फोटो दे रहा होगा। अभी जो सेल्फी कैमरा है इसके बारे में एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये इसमें ऑटो फोकस नहीं दे रखा है, बट इसका जो प्लेन ऑफ फोकस है यानी कितने डिस्टेंस तक ये फोकस कर सकता है वो काफ़ी अच्छा है। तो क्या होगा कि आप जैसे नॉर्मली यूज़ कर रहे होगे हाथ के डिस्टेंस पे, अगर अपना सेल्फी कैमरा फ़ोन का यूज़ कर रहे होगे तो ऑलमोस्ट हर बार आप फोकस में आ रहे होगे, उसमें लोड नहीं है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है कि ऑटो फोकस नहीं है उस सेंसर में, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी के अलावा जो 4K वीडियो क्वालिटी है वो तीनों कैमरा सेंसर्स के अक्रॉस सही है, और हाँ भाई 4K वीडियो के अंदर भी थोड़ा बहुत कलर का डिफरेंस दिखाई देता है तीनों सेंसर्स के अक्रॉस। हाँ ये बात करते हैं साउंड के बारे में, तो भाई तथाकथित रूप से कहने के लिए इसमें स्टीरियो स्पीकर सेटअप दे तो रखा है, बट टॉप पे जो ईयरपीस है ना उसको उन्होंने स्टीरियो पेयर का दूसरा पेयर बनाया है, तो भाई अब मतलब ये वाली बात हो गई कि आपने एक इंडिका कार ली और उसमें ट्रैक्टर का इंजन लगाया और उसको उस स्पीड पे दौड़ाने की कोशिश कर रहे हो उस BHP के साथ और उस उतने बड़े CC वाले इंजन के साथ, तो वही वाली दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलती है कि वो ईयरपीस जो है ना वो ईयरपीस है। अब अगर उससे आप चाहोगे कि एकदम क्रैंकअप करके एकदम स्टीरियो पेयर लेवल का वॉल्यूम निकाल लो कि दोनों तरफ से बराबर वॉल्यूम आए, वो चीज़ नहीं होती, तो फॉर श्योर किसी सिंगल स्पीकर सेटअप के मुकाबले एक स्टीरियो स्पीकर सेटअप मैं बोलूँगा किसी भी दिन बेटर है। बट यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो परफेक्ट स्टीरियो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, यानी कि जो ऊपर वाला ईयरपीस मॉड्यूल है उससे वॉल्यूम थोड़ी सी कम आ रही होती है और बॉटम से थोड़ी ज़्यादा आ रही होती है, तो जो स्टीरियो इफेक्ट क्रिएट होता है वो परफेक्ट तो नहीं क्रिएट होता बट काफ़ी हद तक यूजेबल क्रिएट होता है। वहीं अगर साउंड की क्वालिटी की बात करूँ तो साउंड सफिशेंटली लाउड तो हो जाता है, बट जो एक बेस और थम्पीनेस होता है ना स्पीकर में वो भाई नहीं है यहाँ पे, तो वो चीज़ की कमी आपको थोड़ी बहुत खलेगी। एक चीज़ बढ़िया बहुत है कि डॉल्बी एटमोस ऑडियो का यहाँ पे सपोर्ट दे रखा है इन लोगों ने, और भले ही टॉप ईयरपीस जो है डेडिकेटेड स्पीकर यूनिट नहीं है बट स्टिल स्टीरियो सेपरेशन काफ़ी हद तक ये अचीव कर लेता है, और जो डॉल्बी एटमोस का सॉफ्टवेयर उन्होंने दे रखा है ना वो डॉल्बी एटमोस फॉर गेमिंग के साथ भी आता है, जो कि एक तरह से चीटिंग करने के समान है। क्यों? क्योंकि वो गेम्स के अंदर जो इन गेम फुटस्टेप्स का ऑडियो होता है ना उसको इन्हांस करके सुनाता है ईयरफोन्स में, तो भैया ये नेक्स्ट लेवल की चीटिंग चल रही है यहाँ पे, तो FPS तो उतना आएगा नहीं 720G पे, लेकिन डॉल्बी एटमोस के फीचर सारे दे रखे हैं। भाई ये बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में, तो ये जो फोन है आता है ड्यूल बैंड वाईफाई के सपोर्ट के साथ, वीओ वाईफाई का सपोर्ट है यहाँ पे, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, एकदम टॉप लेवल के GPS का सपोर्ट है, AGPS, GLONASS, Galileo और अन्य रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के साथ। इसके अंदर FM रेडियो है, यस भाई, NFC भी है, USB OTG भी है, तो भाई कनेक्टिविटी के मामले काफ़ी हद तक कवर्ड है। अब कैरियर एग्रीगेशन इस पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये चीज़ सही से नहीं टेस्ट कर पाया मैं, क्यों? क्योंकि अभी मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कई एरियाज़ में अगर आपके मतलब जैसे कैरियर एग्रीगेशन काम कैसे करता है जब आपको एक से ज़्यादा 4G बैंड का सिग्नल आ रहा हो, भाई यहाँ पे एक बैंड का तो सिग्नल आ नहीं रहा है, 4G प्लस कहाँ से आएगा? तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से जियो हो गया चाहे एयरटेल हो गया चाहे वोडाफोन हो गया इनके सिग्नल्स में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आ रही हैं। मेरे एक दोस्त है वो वेस्ट दिल्ली में रहता है, उसने मेरे साथ ये वीडियो शेयर करी, आप देख सकते हैं, तो वोडाफोन का उसके पास नेटवर्क है, घर के अंदर भी सिग्नल नहीं है, गली में भी सिग्नल नहीं है, मतलब
बहुत जबरदस्त सीन चल रहा है अभी भाई। तो भाई टेलीकॉम सेक्टर की तो वैसे ही बजी पड़ी है बढ़िया तरीके से, बट स्टिल मतलब ठीक है भाई, कैरियर एग्रीगेशन का अभी ऑफिशियल मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि इसमें सपोर्टेड है कि नहीं है, और टेस्ट करते रहेंगे, जो जैसा होगा कमेंट सेक्शन में अपडेट कर देंगे। अब भाई ये बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो भाई बैटरी जो है यहाँ पे वो 5000 mAh की लिथियम आयन बैटरी दे रखी है, 25W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है यहाँ पे, और फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर दिया है, बहुत ही बढ़िया बात। अब मॉडरेट यूसेज पे कैजुअल थोड़ा बहुत गेमिंग कर लो तो पूरे दिन बैटरी आराम से चल जाती है। ऑलमोस्ट 90 मिनट यानी 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप इसको 0 से 100 पूरा चार्ज कर सकते हैं, चलो वो वेल एंड गुड है। और बैटरी एक्सपीरियंस इन जनरल काफ़ी हद तक ठीक ठाक लगा मुझे, बट सच्चाई यही है कि अगर आप बहुत ही बड़ी वाली बैटरी के लवर हैं तो सैमसंग के कुछ कुछ फ़ोन तो ऐसे हैं जिनकी बैटरी एकदम छत फाड़ है। अब जैसे मैं F62 चला रहा हूँ, उसमें 7000 mAh की बैटरी होगी, 7000 mAh। तो अब जैसे मैं वो चला रहा हूँ ना, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मैं कोई और फ़ोन चला पाऊँगा इतनी ख़तरनाक बैटरी यूज़ करने के बाद। मतलब एक दिन पूरा हैवी यूज़, फिर उसके बाद अगला दिन रात तक पूरा हैवी यूज़ एकदम, और उसके बाद उसके अगले दिन भी 20-25% बैटरी बची हुई है सुबह उठने पे। तो उतनी बैटरी आप एक बार देख लेते हैं ना इंसान, फिर उसके बाद बाकी सब कमजोर लगने लगता है उसके सामने। Is it possible to learn this power? तो लेट्स होप कि अब जितने नए फोन्स आते हैं उनमें बैटरी पे काफी ज्यादा ध्यान दे कंपनीज और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आइए थोड़े मेन पॉइंट्स कंपेयर करते हैं A52 और A72 के बीच में, बिकॉज जो भी मेरे को लग रहा है खरीदने जाएगा वो इन्हीं दोनों के बीच में फंसा पड़ा होगा कि भाई यार A50 लूँ कि A72 लूँ। तो भाई ये जो A72 है उसके अंदर बैटरी बड़ी है 5000 mAh, A52 के अंदर 4500 mAh बैटरी ही है। A72 के अंदर बेटर स्टीरियो स्पीकर्स है और साउंड क्वालिटी भी बेटर है, ठीक है, डिस्प्ले भी बड़े साइज की है A72 के अंदर, 25W का फास्ट चार्जर साथ में मिल रहा है A72 के, और A72 में एक और ज़बरदस्त अपग्रेड है वो ये कि यहाँ पे आपको टेलीफोटो सेंसर मिल रहा है और कैमरा सेंसर्स के अंदर OIS मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब आपको वहाँ पे A52 में नहीं देखने को मिलती है। तो ये थे कुछ चेंजेस A52 के मुकाबले, लेकिन वहीं A52 में बेसिक एक्सपीरियंस सारा सेम है क्योंकि चिपसेट उसमें यही है, स्टोरेज कंपोनेंट्स भी ऑलमोस्ट यही है, एंड थोड़ा सा साइज़ छोटा है इससे, थोड़ा सा ज़्यादा हैंडी है इससे, थोड़ी सी बैटरी कैपेसिटी कम है इससे, थोड़ा सा डिस्प्ले कम है इससे साइज़ में, बट ऑलमोस्ट बाकी सब सेम है, एक्सपीरियंस कलर रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट ये सब काफ़ी हद तक सेम है, रिफ्रेश रेट का थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये सब थोड़ा ना देखने वाली चीज़ जाती है कि आपको ज़िंदगी में क्या ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्या आप ज़्यादा पैसा दे के A72 जैसा फ़ोन लेना चाहते हैं या फिर कम पैसा दे के ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। अब आइए ज़रा बात करते हैं प्राइसिंग और कंक्लूजन के बारे में कि भाई अगर A72 लेना ही है तो किस तरह के व्यक्ति को A72 लेना चाहिए। जो सैमसंग गैलेक्सी A72 है ये बिकता है 35,000 रुपये की प्राइसिंग पे और सब्जेक्ट टू मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तब ये 35,000 रुपये है। अब कुछ पता नहीं भाई अगले 2-3 दिन में हो सकता है सेल लगा के सस्ता कर दे या फिर कुछ कंपोनेंट की शॉर्टेज हो जाए और महंगा कर दे, तो ये सब संभव है। तो बस मैं अभी करंट अपने शूट के हिसाब से टाइमिंग बता रहा हूँ प्राइस की कि अभी करंटली मार्केट में 35,000 रुपये बिक रहा है ऑनलाइन, ठीक है, अमेजोन वगैरह पे। अब ये जो फ़ोन है 8/128 GB वर्जन जो है वो आपको इतने का मिल रहा है और 8/256 GB वर्जन आपको मिलेगा 38,000 रुपये पे, ठीक है। इस प्राइस पर डेफिनेटली एक सस्ता फ़ोन नहीं है और एन नंबर ऑफ ब्रांड्स इसको कॉम्पिटिशन मिल रहा है, मतलब इतने ब्रांड्स के कंपीटिंग फोन है ना इस प्राइस रेंज में कि थोड़ा एक बार ना सोचना पड़ता है इसको रिकमेंड करने से पहले। और इसी के अलावा अगर A52 लेने से आपके काम नहीं चल रहे हैं और आपको वो सब कुछ एक्स्ट्रा लेना है जो कि A72 में है, अब डेफिनेटली इस फोन को लो, अदरवाइज भाई Redmi Note 10 Pro भी है जिसमें अपनी दिक्कतें थी जो मैंने बताई, बट Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max ये जो फोन है इनमें काफ़ी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं और पता है कि सॉफ्टवेयर के साथ Xiaomi इनको और बढ़िया बना सकता है। और ऐसे ही और भी कितने ब्रांड्स, Poco, Realme, इनके इतने इतने फ़ोन है ना इस प्राइस सेगमेंट में कि दो बार सोचना पड़ता है बंदे को। जिसको हैंडी फोन लेना उसके लिए Pixel 4a, OnePlus Nord, ये फोन्स भी है ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस रेंज में। तो मतलब इतना कंपटीशन है इस प्राइस रेंज में कि बंदे को एक बार सोचना पड़ता है भाई A72 चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या इसमें जो सब मिल रहा है वो मेरे एक्चुअली में काम का है कि नहीं है, तो ये आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। अब सच्चाई यही है कि कॉम्पिटिशन इतना हीटेड अप है कि मैं ये स्मार्टफोन सिर्फ डाई हार्ड सैमसंग के फैंस को ही रिकमेंड करूँगा, बाकी अन्य लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है मार्केट में। फ़ोन में उतनी बुराइयाँ नहीं है, फ़ोन डेफिनेटली अच्छा है, बट ये फ़ोन एक छोटे से प्राइस कट के साथ ना और लुक्रेटिव और लुभावना हो सकता है। तो आई थिंक सैमसंग वाले बात शायद से समझ जाएं, हो सकता है समय रहते इस पर कोई प्राइस कट आए
और फिर ये फोन दबा के बिके। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर कीजिए, इंस्पायर टू हिंदी को भैया सब्सक्राइब कीजिए। आप जो सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो और कमेंट में आके गाली देने के बजाय लिखते हैं आदित्य भाई आई लव यू क्या वीडियो बनाते हो, तब मेरा थोड़ा ना दिल खुश हो जाता है और मैं थोड़ा और मोटिवेशन ला पाता हूँ और वीडियो शूट करने के लिए। जिन लोगों को, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन लोगों को मैं ही बता दूं कि मैं फाइनली अपने घर में आ गया हूँ। तो पिछले एक साल से जो आप जितने भी सेटअप्स देख रहे थे और अलग अलग वीडियोस देख रहे थे, वो अपने घर में नहीं बना रहा था। वो मैं कभी अपने मौसी के घर में बना रहा था, कभी मैं बाहर जाके कहीं और शूट करता था, अपने दोस्तों के घरों पे सेटअप पे जाके शूट करता था। अब मैं फाइनली अपने घर में आ गया। भाई अपना घर तो अपना होता है, और अपने घर में अब और वीडियोज़ आएंगी। तो अगर आप मेरी इस फाइनली इस चैनल, छोटा सा चैनल अपडेट दिया मैंने, आप इस चीज़ से खुश हैं, आप चाहते हैं मैं और वीडियोस बनाऊं, तो भाई मेरे खूब सारा ढेर सारा प्यार दो एकदम, मतलब भर दो नीचे प्यार को, है कमेंट्स में जाके भर दो एकदम, मतलब बाढ़ लगा दो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब और एब्सोल्युटली नथिंग विल हैपन, बट हे इट बी अ लॉट कूलर इफ यू डिड।